नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में प्लांट सेक्शन आपका फिनिश हो चुका है, एनिमल सेक्शन कंटिन्यू था और एनिमल सेक्शन में आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग में हम क्या एक्चुअली पढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग डिस्कस करेंगे हम, और एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग के बाद हम टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग के साथ साथ आप कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एनिमल ब्रीडिंग का कंटेंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम आज टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताऊं कि एनिमल ब्रीडिंग एक क्या है, एक मेथड है, एक आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड से, और इसके थ्रू जो है ह्यूमन के लिए डिजायरेबल एनिमल्स हम बनाते हैं। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। जब आप साइंटिफिक तरीके से इसको आप डिफाइन करेंगे तो जो आपका एनिमल ब्रीडिंग है वो क्या है, एनिमल ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू द ह्यूमंस। मतलब कि आप ब्रीडिंग के थ्रू जो है एनिमल्स को जीनोटाइप लेवल पर मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जीनोटाइप लेवल पे आप मॉडिफाई करते हैं। जीनोटाइप मींस कि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे आप इसको मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई होने के बाद जो फर्दर न्यू वैरायटी जो डेवलप होने वाली है वो ह्यूमन के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और यूजफुल अगर एनिमल्स मिल रहे हैं तो फर्दर उस एनिमल को हम मेंटेन करते हैं, उसके होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करते हैं, उसके प्योर लाइन को मेंटेन करते हैं। अगर वो न्यू जो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स जो न्यू है वो अगर यूजफुल नहीं है तो हम उसको फर्दर आगे हम उसकी ब्रीडिंग के बारे में फॉलो नहीं करते हैं, उसकी ब्रीडिंग के मेथड्स को हम आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो एनिमल ब्रीडिंग है, ये जो टॉपिक है, इसका जो मोटिव है वो ये है कि ये ह्यूमन के लिए यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, यूजफुल है तो आप न्यू वैरायटीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ जब आप ह्यूमन यूज की बात करेंगे तो ह्यूमन यूज में क्या क्या एक्चुअली में हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसको हम डिस्कस करेंगे नए हेडिंग के साथ। नया हेडिंग जो है यहाँ पे वो क्या है, एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में आपको ये बताना है कि जो एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हैं उसका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक्चुअली में कोई भी हम वर्क करते हैं, कोई टास्क जब परफॉर्म करते हैं तो उसका एक एक्चुअल एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने जो क्रिएट किया है न्यू वेराइटीज उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये लाइन आपकी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। है क्या ये लाइन, इसमें ये बोल रहा है कि जब आप ब्रीडिंग करेंगे तो एनिमल्स की यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली यील्ड बढ़ेगी तो अच्छी बात है। ठीक है, और हमारा टारगेट यही है कि यील्ड बढ़ना चाहिए। आप स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में आपने जो भी मेथड्स पढ़ा उसमें क्या पढ़ा आपने, वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, ठीक है, उसमें आपने एक ही चीज देखा कि यील्ड बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, क्वालिटी बढ़नी चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल और प्लांट्स होना चाहिए। ये हमारा इस चैप्टर का मेन जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, और यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है एनिमल ब्रीडिंग में। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग में आप देखिए सबसे पहले मैंने जो एम बताया है या ऑब्जेक्टिव बताया है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, यील्ड ऑफ एनिमल्स जो है ये इंक्रीज करने की मैंने बात की है। ठीक है, सेकेंड जो है यहाँ पे एम है वो क्या है, डिजायरेबल क्वालिटीज वाले जो है एनिमल्स को डेवलप करना या उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, सपोज दैट कोई ऐसा एनिमल है जिसमें कोई क्वालिटी आप चाहते हैं, वो क्वालिटी बाय द वे ब्रीडिंग से आ गई तो उसको आप डे बाय डे इम्प्रूव करने की बात करेंगे। ठीक है, उसमें आप ऐसा प्रोसीजर या मेथड्स फॉलो करेंगे कि उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो, ठीक है, वो डिक्रीज ना हो। ठीक है, तो यही आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, टू इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, ये सारी लाइनें आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। ठीक है,
और जो अभी करंट में टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ा साइंस की जरूरत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जो लाइन है, टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ एनिमल्स। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कोई भी एनिमल आर प्लांट्स जब बनाएंगे तो वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि डिजीज रेजिस्टेंस रहेगा तो आपको 100% जो है ईल्ड अच्छी मिलने वाली है, ईल्ड या प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलने वाली है। ये मैंने कई बार डिस्कस किया है आपसे, ठीक है। अच्छा, जो अभी करंट में आपका टॉपिक जो चल रहा है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है और इसको आप इजीली समझ सकते हैं। और देखा जाए तो इस चैप्टर का जो करंट चैप्टर है, इस चैप्टर का बेस्ट टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग, क्योंकि इसमें हर एक लाइंस जो है आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे, ठीक है। बिकॉज ये प्रोसीजर बेस्ड है, इसमें छोटे छोटे डेफिनेशंस मिलेंगे और आपको एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, टेक्निकल है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये जो एनिमल ब्रीडिंग है, ये क्या है, जीनोटाइप का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इस मॉडिफिकेशन को हम एग्जांपल्स के फॉर्म में समझने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डंकी लिया, ठीक है, डंकी का एक लिया, और यहाँ पे फिर एक हॉर्स लिया, ठीक है। डंकी यहाँ पे क्या है, मेल है, और यहाँ हॉर्स क्या है, फीमेल है, और दोनों के बीच मैंने क्रॉस कराया तो क्या मिला, म्यूल मिला, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है इसका एग्जाम्पल है ये। और इस एग्जाम्पल में आपको ये देखने को मिल रहा है कि हॉर्स और डोंकी का क्रॉस हुआ, और क्रॉस हुआ तो म्यूल मिला, ठीक है। और ये जो म्यूल है, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और स्पेशली आप जब डंकी से कंपेयर करेंगे तो म्यूल में के अंदर जो है वो अच्छे फीचर्स मिलेंगे, म्यूल की हाइट अच्छी मिलेगी, ठीक है, ये इंटेलिजेंट होंगे एज कम्पेयर टू डंकी, ठीक है। और देन आफ्टर ये हार्ड वर्क कर सकते हैं, डंकी आपके लिए ज्यादा वेट वाले चीजें उठा सकते हैं। तो आप ओवरऑल आप डंकी से कंपेयर करेंगे तो म्यूल जो है यूजफुल मिलेगा। और ऐसा ही कुछ करना है इस जो एनिमल ब्रीडिंग टॉपिक हमारा है, एनिमल ब्रीडिंग में हमको ऐसा ही कुछ करना है कि हमको जो भी ऑर्गेनिज्म मिले वो हमारे डिजायर का हो, ठीक है, वो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है हो, ठीक है। तो ये आपके दो मैंने टॉपिक डिस्कस कर लिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन अबाउट द एनिमल ब्रीडिंग, एंड सेकेंड टॉपिक था एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ब्रीडिंग की बात करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, देन एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म है, उसको समझिए पहले। टर्म क्या है आपका, ब्रीड, और ब्रीड कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली अ ब्रीड इज अ स्पेशल वेराइटी ऑफ एनिमल्स विद इन अ स्पीसीज, ठीक है, मतलब एक सिंगल स्पीसीज का, ठीक है, स्पेशल वेराइटी हो, कोई कोई एक स्पेशल वेराइटी हो और उस वेराइटी के बहुत सारे एनिमल्स हो, तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे, ठीक है। और जो भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे उनके अंदर जो फीचर्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, वो कॉमन होंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई ए एक स्पीसीज है, ए इज स्पीसीज है, और इसमें एक वैरायटी है लाइक ए डैस, ठीक है। ए डैस क्या है, एक वैरायटी है, सपोज है, ठीक है। अब ए डैस के बहुत सारे नंबर्स, लाइक मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, दैट मीन्स कि ए डैस के बहुत सारे नंबर जो है वो अगर हैं तो उनको एक्चुअली में हम क्या बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो ब्रीड है ये इस पर्टिकुलर स्पीसीज का है ये, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने ये बताया कि एक सिंगल स्पीसीज आपने लिया, स्पीसीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया ए नेम से, और ए का जो है एक पर्टिकुलर वैरायटी है ए डैश, और ए डैश के बहुत सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे एन लिखा है, दैट मीन्स ए डैश के बहुत सारे नंबर्स हैं। वो जो ए डैश वाले जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो क्या है, एक्चुअली में वो ब्रीड है, बिकॉज उनके अंदर सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स आर फीचर्स
प्रेजेंट है, ठीक है। वो फीचर्स करेक्टर क्या हो सकते हैं, अगर एनसीईआरटी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने सर्च एज जनरल अपीयरेंस की बात की है, अपीयरेंस के बिहाफ पर, फीचर्स के बिहाफ पर, साइज के बिहाफ पे, कॉन्फिगरेशन के बिहाफ पे सिमिलर होंगे ये ए डैश वाले ऑर्गेनिजम्स, और इसी ए डैश को आप क्या बोलेंगे, वैरायटी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वैरायटी देंगे, बोलेंगे आप उसको। एग्जांपल एक आपको बता रहा हूं, जैसे कि डॉबरमैन आपका एक डॉग की वैरायटी है, ठीक है, और डॉबरमैन आपने देखा होगा उसका कुछ स्पेशल फीचर होता है, और ऐसे बहुत सारे अगर डॉबरमैन हैं तो वो क्या है, उनका एक सेपरेट है, वो ब्रीड है, वो क्या है, एक सेपरेट उनका ब्रीड होगा वो डॉबरमैन का, ठीक है। ऐसे और भी डॉग की वैरायटीज है और उनके बहुत सारे, उस पर्टिकुलर वैरायटी के बहुत सारे एनिमल्स को आप लेंगे तो वो सारे क्या होंगे, ब्रीड होंगे, ठीक है। और ये जो ब्रीड है इन्हीं का हम क्या करने वाले हैं, हम रिप्रोडक्शन कराने वाले हैं नेचुरली और आर्टिफिशियली, और उसी के बिहाफ पे, रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे, मैटिंग के बिहाफ पे, क्रॉस के बिहाफ पे आप आगे टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे। और एनिमल ब्रीडिंग में मेजर टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, मेजर टू टाइप्स हैं। आइए देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका इनब्रीडिंग है, ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, एनिमल ब्रीडिंग है। सेकेंड जो टाइप है वो क्या है, आउट ब्रीडिंग है, ठीक है। ये टॉपिक सब बहुत सिंपल है, थोड़े थोड़े आपको डेफिनेशन और टर्म्स पे फोकस करना है, और सारे टाइप्स जो हैं या जो भी टॉपिक्स हैं सारे इजी हैं, कुछ है, सर्टन आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, टाइप्स में वो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो पहले आते हैं इनब्रीडिंग पे। इनब्रीडिंग में क्या है, आपको नेम से लग रहा होगा इनब्रीडिंग मतलब ब्रीड के अंदर ही जो होने वाला है, ठीक है, वही होगा इनब्रीडिंग। यहां ब्रीड के अंदर का मतलब सेम ब्रीड, सेम ब्रीड के बीच में अगर क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनब्रीडिंग होगा, मतलब विद इन ब्रीड अगर क्रॉस हो रहा है तो इनब्रीडिंग होगा। और इनब्रीडिंग टर्म से आपको क्लियरली पता चल रहा है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाउट आगे पॉसिबल है बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप क्या है, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्रॉस होगा बट क्रॉस जो है टू डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में होंगे, यहाँ क्रॉस जो होने वाले हैं वो टू डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में होने वाले हैं, ठीक। आउटब्रीडिंग में बहुत सारे कंडीशंस बनाए गए हैं, ठीक है, यहाँ एक्चुअली में होना चाहिए टू डिफरेंट ब्रीड्स भी होना चाहिए, सेम ब्रीड होना चाहिए बट सेम ब्रीड में आपका कंडीशन अप्लाई है कि एंसेस्टर सेम नहीं होना चाहिए, एंसेस्टर जो है सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए आउट ब्रीडिंग में सबसे पहले हम देखते हैं आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में मैंने आपकी जस्ट यहाँ पे बताया आपको कि आउट ब्रीडिंग में सेम ब्रीड इन्वॉल्व होगा बट एंसेस्टर जो है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है, एंसेस्टर सेम नहीं होंगे, और एंसेस्टर प्रीवियस जो जनरेशन थे, ठीक है, प्रीवियस जनरेशन में 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होना चाहिए एंसेस्टर, ये कंडीशन है, ठीक है, किसका है कंडीशन, आउट क्रॉसिंग का है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस यहाँ यूज किया है, सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। ये शायद आपको परेशान करेगा लेकिन मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पे। आप देखो सपोज दैट कि ये दो जो है मेल और फीमेल है, यहाँ पे दो मेल और फीमेल यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स कि एनिमल्स हैं, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स है, ठीक है, और सेम ब्रीड के हैं, बोथ आर बिलोंग फ्रॉम सेम ब्रीड, और इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो एक न्यू जो है आपको वैरायटी मिलेगा, न्यू वैरायटी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। बट कंडीशन ये है कि जो ये जो आपका मेल है इसका जो प्रीवियस जनरेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये जो प्रीवियस जनरेशन है, और फीमेल का जो प्रीवियस जनरेशन है, उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है, देन ये आप बोल सकते हैं कि आउट क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पे। प्रीवियस जो जनरेशन है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। आप एक बार फिर से देखिए, सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड, दैट मीन्स दिस एंड दिस, आइदर साइड ऑफ देयर
पीडिग्री अप टू द 4 to 6 जनरेशन, मतलब पीछे के जो 4 to 6 जनरेशन है वो भी कॉमन लेना चाहिए, और ऐसा अगर है तभी आप उसको क्या मानेंगे, आप आउटक्रॉसिंग मानने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा यहाँ पे आपको कॉमन एंसेस्टर टर्म आपको ध्यान देना था, बट यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर टर्म आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ सिंपली आपको ये बताना है कि टू डिफरेंट ब्रीड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और उनके बीच क्रॉस होने वाला है। ठीक है, देन आप देखिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग, और यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। ठीक है, क्या है यहाँ पे क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज की बात कर रहा है। यहाँ पे टू डिफरेंट ब्रीड्स की बात किया, ठीक है, और यहाँ पे स्पीसीज की बात किया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो डिफरेंट स्पीसीज जो है आपस में क्रॉस कर रहे हैं, और देन जो है न्यू जो बनेगा ऑर्गेनिजम्स वो क्या बनेगा आपका, एक नया वैरायटी होगा। ठीक है, दो स्पीसीज का न्यू कॉम्बिनेशन होगा वो। ठीक है, तो आपका ये जो आउट क्रॉसिंग था, क्रॉस ब्रीडिंग था, देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन था, ये तीनों क्या है, आउट ब्रीडिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग के टाइप्स हैं, और आउट ब्रीडिंग में अब आपको आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड भी हो सकता है, सेम ब्रीड भी हो सकता है, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज भी हो सकते हैं, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कंप्लीट हुआ, मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था वो उसमें मैंने टू डिफरेंट ब्रीड्स की बात की, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा था इन ब्रीडिंग से। ठीक है, तो वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है, बट मैंने बाद में उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, मैंने सेम ब्रीड की भी बात की, सेम ब्रीड में मैंने बताया कि एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, और फिर मैंने डिस्कस किया टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज को लेकर डिस्कस किया, और फिर इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग मैंने फर्दर यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया आउट ब्रीडिंग को, जिसमें फर्स्ट क्या आपका आउट क्रॉसिंग, सेकेंड आपका क्या है क्रॉस ब्रीडिंग, और थर्ड आपका क्या है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक बार रिविजन कर लीजिए इसका। आउट क्रॉसिंग में आपको क्या करना है, सेम ब्रीड है बट उनके जो एंसेस्टर हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के जो एंसेस्टर हैं वो भी क्या है, वो कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे, वो डिफरेंट एंसेस्टर के होंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका है क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, यहाँ पे तो क्लियर है टू डिफरेंट ब्रीड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे टू डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग आपका फिनिश हो गया। अब देन हम आगे जो है टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में इंडिविजुअल्स जो है हम टॉपिक लेंगे और फिर उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एनिमल्स में हम लोगों ने सारे टाइप्स देख लिए। ठीक है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के फर्दर टाइप्स देख लिए। अब हम इंडिविजुअली जो है इन टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो आपका क्या है, इन ब्रीडिंग है, और इन ब्रीडिंग में मैंने बताया कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली क्या रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे सेम ब्रीड के दो मेल और फीमेल एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराना है, और अदर कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको एक न्यू वेराइटी आपको मिलेगी। ठीक है, और वहां पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, यहाँ पे इनब्रीडिंग मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, इनब्रीडिंग मेथड में आपको बताऊं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने होंगे आपको, वो पॉइंट्स जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड फॉर मैटिंग। ठीक है, फॉर मैटिंग, तो ये जो है आपको ध्यान देना होगा कि आपको कोई भी इनब्रीडिंग कराएंगे आप, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि एक मेल जो है वो स्ट्रांग और सुपीरियर क्वालिटी का हो, और दूसरा जो है फीमेल वो भी स्ट्रांग और सुपीरियर क्वालिटी का हो, और इन दोनों के बीच आप क्रॉस कराएंगे तभी आपको एक नया अच्छा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो एटलीस्ट इतना तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी ब्रीडिंग करा रहे हैं उसमें आपको एफर्ट लगता है। ठीक है, और एफर्ट लगा रहे हैं बेटर रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट जो सिलेक्शन होगा मेल और फीमेल का वो बेटर होना चाहिए सिलेक्शन क्रॉस कराने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका है।
इन ब्रीडिंग का। सेकेंड जो पॉइंट है वो ध्यान दीजिए, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि हमने कोई मेल और फीमेल जो है क्रॉस कराया, और हमने क्रॉस कराने के बाद जो है एक नया रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, नया प्रोजनी मिल रहा है, तो वो प्रोजनी अगर अच्छा है, उसमें फीचर्स अच्छे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, आप जो है एंसेस्टर से कंपेयर करेंगे, और एंसेस्टर से कंपेयर करेंगे तो उनके फीचर्स आपको बेटर दिखेंगे, ठीक है, सो दैट आप वहां पे ये बताएंगे कि हाँ प्रोजनी हमारा इवैल्यूएट हो गया। और जब प्रोजनी इवैल्यूएट हो जाएगा, देन आप क्या करेंगे कि सुपीरियर मेल और फीमेल जो होंगे उनको आइडेंटिफाई करके और फर्दर जो है मैटिंग कराएंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सपोज दैट मैंने ये लिया, आपका एक मेल ले लिया, ठीक है, एक मेल ले लिया ये, और ये फीमेल ले लिया, ठीक है, ये सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल है, सेम ब्रीड के हैं, ठीक है, क्रॉस कराया तो एक न्यू प्रोजनी मिला। न्यू प्रोजनी को हमने क्या किया, इवैल्यूएशन किया उसका, और इवैल्यूएशन के बाद हमको मिला कि ये बेटर है, ये प्रोजनी क्या है, बेटर है, बेस्ट क्वालिटी का है ये प्रोजनी, ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी का अगर प्रोजनी होगा तो आप ये कंसीडर करेंगे कि हाँ जो हमने ये जो पेरेंट्स लिए मेल और फीमेल में, ये क्या है, अल्टीमेट है, बेस्ट है, ठीक है। अगर ये बेस्ट है, मेल सुपीरियर मेल और फीमेल बेस्ट है, तो देन जब आप नेक्स्ट इनब्रीडिंग करेंगे तो आप सेम मेल और फीमेल पेरेंट्स के फॉर्म में लेंगे, और इनका फर्दर आप क्या कराएंगे, मैटिंग और क्रॉस कराएंगे, फिर आपको क्या होगा, ये प्रोजनी जैसे नेक्स्ट आपको बहुत सारे प्रोजनी अच्छे क्वालिटी वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पे आपको प्रोजनी मिला था लास्ट टाइम, वैसे ही सेम आपको बार बार आपने आप कराओगे तो आपको अच्छा एक जनरेशन मिलेगा। बट उसके भी प्रॉब्लम है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। अगर एक ही सुपीरियर मेल और फीमेल को आप 500 टाइम्स तक अगर मैटिंग करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो उसका ड्रॉबैक भी है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, कुछ जनरेशन के लिए ऑब्जर्व करेंगे, तो वो बेनिफिशियल होता है, वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया सारे पॉइंट्स। अब बात आती है कि जब भी कोई रिजल्ट मिल जाता है आपको, ठीक है, सपोज दैट कि हमें कोई एक बेस्ट सुपीरियर प्रोजनी मिल गया, ठीक है, तो वो सुपीरियर प्रोजनी क्यों मिला, क्योंकि जो आपका मेल और फीमेल में वो क्वालिटी थी, वो एक्सेप्टेंस था, ठीक है, दोनों का एक न्यू जो कॉम्बिनेशन बनने वाला था, वो न्यू कॉम्बिनेशन के लिए वो फैसिलेट कर रहे थे पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स के अंदर वो एबिलिटी थी कि वो न्यू जनरेशन को अच्छा ला सके, ठीक है। अगर बाय द वे क्वालिटी हो और बट जो है जेनेटिक लेवल पे इनका एक्सेप्टेंस ना हो, तो न्यू वैरायटी जो मिलेगी वो अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी ये न्यू प्रोजनी सुपीरियर प्रोजनी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बार ये भी देखिए, आप यहाँ पे कैटल्स के केस में एग्जाम्पल लिया गया है, कैटल्स के केस में क्या है, सुपीरियर फीमेल प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, ठीक है, ये है। और सेकेंड आपका क्या है, सुपीरियर मेल, सुपीरियर मेल आर बुल गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजनी, ठीक है। तो ये आपने कैटल केस में सुपीरियर फीमेल लिया था, और यहाँ पे सुपीरियर मेल लिया, और देन आपका सुपीरियर प्रोजनी का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज सुपीरियर और मेल और फीमेल में क्या थे, एक्सेप्टेंस थे बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए एक्सेप्टेंस थे। अगर ऐसा एक्सेप्टेंस ना होता तो बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। क्वालिटी होना, पेरेंट्स में क्वालिटी होना और क्वालिटी को नेक्स्ट प्रोजनी में एक्सप्रेस करना, ये डिफरेंट थिंग है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, बेस्ट क्वालिटी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं वो कैपेबल हैं अपने नेक्स्ट बेटर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया, आपका इनब्रीडिंग के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग में सबसे पहले हम बताएंगे कि आप जब इनब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, आप जब इनब्रीडिंग करते हैं, दैट मीन्स कि सेम ब्रीड का बार बार मेल और फीमेल का क्रॉस कराते हैं, तो एक्चुअली में वहां पे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी भी डेवलप होती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है सेम चीज रिपीट होना, ठीक है। होमोजाइगोसिटी का मीनिंग क्या है, सेम चीज रिपीट होना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे आप समझिए,
एग्जाम्पल्स के लिए मुझे थोड़ा सा ये इरेज करना होगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये पार्ट, ठीक है। और आपके पास तो एक ऑप्शन है कि वीडियोस में आप पॉज करके सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, ये आपके साथ एक अच्छा है, ऑनलाइन क्लास में एक अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। आप हर एक चीज को जो है रिवाइज कर सकते हैं, बट जब ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो एक बार टीचर अगर रिमूव कर दिया तो आप फिर उसको नोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल समझिए, इस एग्जांपल को मैं जेनेटिक्स से रिलेट कर रहा हूँ। जेनेटिक्स आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि टू टॉल प्लांट्स, ठीक है, ले रहे हैं और दोनों जो है होमोजाइगस कंडीशन में है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन मिलेगा वो भी टॉल प्लांट्स का ही मिलेगा। लाइक यहाँ पे देखो आप, ये टू हमने मेल और फीमेल टॉल प्लांट्स लिए और होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी कैसे आपको पता चलेगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल टी है और कैपिटल टी यहाँ पे भी है, ठीक है। और जब क्रॉस कराया तो आपको नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिला, सेम चीज मिला, ठीक है। और फर्दर ऐसा ही आप क्रॉस कराओगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, सेम चीज मिलेगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसी को आप क्या बोलते हैं, होमोजाइगोसिटी। इसी को क्या बोलेंगे, होमोजाइगोसिटी। और ये होमोजाइगोसिटी इन ब्रीडिंग के केस में है। मैंने आपको एग्जांपल दिया वो जेनेटिक्स का दिया क्योंकि वहां क्लियरिटी ज्यादा होती है, वहां समझाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेजिनेशन थोड़ा करना होता है, ठीक है। और इमेजिनेशन आप ना करिए, बेटर होगा कि जेनेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए कि आपने जो पेरेंट्स लिया वो पेरेंट्स दोनों सेम टाइप के थे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेकर, और देन जब उनके बीच में क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट जो प्रोजेनी बनी वो भी सेम कैरेक्टर वाली बनी, ठीक है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि जब सेम आप चीज ले रहे हैं और सेम चीज आपको प्रोजेनी के फॉर्म में मिल रहा है, तो ऐसा कंटिन्यूअस आप जनरेशन टू जनरेशन ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम टाइप का रिजल्ट मिलेगा। और सेम टाइप का रिजल्ट मिलेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, होमोजाइगोसिटी बोलेंगे, ठीक है। और उसी को आप बोल सकते हैं प्योर लाइन मेंटेनेंस। क्या बोल सकते हैं, प्योर लाइन मेंटेनेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, ये एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग। जैसे ये कैसे एडवांटेजेस देगा आपको, जैसे कि आपको कोई अच्छी क्वालिटी मिल गई, सपोज दैट जैसे मैं मार्केट में गया और ये एक अच्छा मुझे मार्कर मिल गया, अब ये मार्कर मैं किसी को दूंगा नहीं, अब ऐसा ही खरीदूंगा और किसी को बताऊंगा नहीं मैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा क्वालिटी हो गया। तो अब इसी चीज को बार बार मैं अगर परचेज करके, ठीक है, और यूज करूंगा, ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल आपको अप्लाई करना है यहाँ पे कि हमको जब भी कोई अच्छी क्वालिटी मिलेगी उस अच्छी क्वालिटी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। और ऐसा अगर करेंगे जनरेशन टू जनरेशन तो उस प्रोसीजर को बोलेंगे कि हमने होमोजाइगोसिटी मेंटेन किया, हमने प्योर लाइन मेंटेन किया, ठीक है। ये हो चुका ऑलमोस्ट, आई थिंक आपने समझ लिया होगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इट एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इन ब्रीडिंग के टाइम पे कुछ हार्मफुल प्रॉपर्टीज भी आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा और कुछ ऐसे होंगे जो लेस डिजायरेबल होंगे, लेस डिजायरेबल, ठीक है, हार्मफुल एंड लेस डिजायरेबल जो है प्रॉपर्टी है इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और जो बेस्ट क्वालिटी वाला होगा उसको क्या करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे समझिए आप, इन ब्रीडिंग जो प्रोसीजर है इसमें होगा क्या एक्चुअली में कि अच्छी क्वालिटी को रिटेन करना है, रिटेन होता है इसमें, ठीक है, और जो हार्मफुल क्वालिटी है या लेस डिजायरेबल क्वालिटी हो उसको सिलेक्शन के टाइम पे क्या करना है, एलिमिनेट करना। ये एडवांटेजेस में आता है किसके, इनब्रीडिंग के। आप देखिए यहाँ पे, इट एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड, दैट मीन्स उनको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इट हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, ठीक है। तो आपको बताया कि जब आप इनब्रीडिंग करते हैं और होमोजाइगोसिटी मेंटेन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी को एक्यूमुलेट करना है। सुपीरियर क्वालिटी एक्यूमुलेशन ही क्या है, होमोजाइगोसिटी है, ठीक है। सुपीरियर क्वालिटी का एक्यूमुलेशन ही क्या है, होमोजाइगोसिटी है। और हार्मफुल क्वालिटी और लेस डिजायरेबल क्वालिटी को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है वहां से, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, वो कैसे लेके चलेंगे,
जब आप इन ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, इन ब्रीडिंग को आप मेनी टाइम्स आप रिपीट कर रहे हैं, लाइक 40 times, 500 times, ऐसे आप बार बार इन ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसका एक ड्रॉबैक है। उसका क्या है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ये टर्म आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपको कोई भी एक रिजल्ट मिल जाता है और उस रिजल्ट को आप बार बार कंटिन्यूअस मैनर में इनब्रीडिंग करते जाते हैं, मेनी जनरेशन तक, बहुत सारे जनरेशन तक करते हैं, तो क्या होता है, आने वाले जो है जनरेशन उसमें फर्टिलिटी की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी उनकी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और ऐसा अगर हो रहा है तो वो क्या है, आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। वो क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है, इनब्रीडिंग टॉपिक आपका फिनिश हो गया। मैंने इंट्रोडक्शन भी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओवरकम करने का तरीका है कि सेम ब्रीड में आप सुपीरियर अनरिलेटेड एनिमल्स लेंगे, ठीक है, सेम ब्रीड होगा और सुपीरियर अनरिलेटेड ब्रीड्स के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपका ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। एक बार अंडरलाइन में कर देता हूं, आप इसको नोट करिए कि जब आप अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के बीच में आप जब क्रॉस कराते हैं और वो एनिमल्स सेम ब्रीड के होंगे, तो आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अब कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो है इन ब्रीडिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है आउट ब्रीडिंग, उसको डिस्कस करेंगे, उसके टाइप को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में मैंने इन ब्रीडिंग डिस्कस कर लिया है, अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आउट ब्रीडिंग को, ठीक है, आउट ब्रीडिंग के टाइप्स को। और आउट ब्रीडिंग में मैंने जो उसका क्रॉस पैटर्न था क्लास के स्टार्टिंग में, मैंने आज के लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में क्रॉस पैटर्न मैंने बता दिया है ऑलरेडी। मैंने इवन आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, आउट ब्रीडिंग के टाइप्स हैं, इनका क्रॉस पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। और इसमें मैं बताने वाला हूँ कुछ यूनिक लाइन, कुछ यूनिक पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आपको लर्न करना है और समझना है इसको, ठीक है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी आपने टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में आज पढ़ा वो टोटली नेचुरल ब्रीडिंग है। वो क्या है, नेचुरल एनिमल ब्रीडिंग है। आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं आर्टिफिशियल एनिमल ब्रीडिंग बताऊंगा, ठीक है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो आज आपने पढ़ा वो नेचुरल मेथड था, ठीक है। तो आगे चलते हैं टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग के आउट ब्रीडिंग टॉपिक पे। और आउट ब्रीडिंग में हमने बताया था कि इसके 3 types हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और इन सबके मैंने क्रॉस पैटर्न बताया था। जैसे कि मैंने आउट क्रॉसिंग में क्या बताया था, मैंने बताया था कि आउट क्रॉसिंग में क्या होगा कि सेम ब्रीड इज यूज होगा बट वहां पे जो है एंसेस्टर होंगे वो अनकॉमन होंगे, ठीक है ना, अनकॉमन होंगे और उनके बीच में क्रॉसिंग होगा, तो वो होगा आपका आउट क्रॉसिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग मैंने बताया कि 2 different breeds इन्वॉल्व होंगे, अ सिंगल स्पीसीज, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक में तो क्लियर है कि दो different type के स्पीसीज यहाँ इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, और उनके बीच क्रॉस होने वाला है। इन दोनों में सेम स्पीसीज होगा, यहाँ पे सेम ब्रीड भी होगा बट यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड होगा, ये चीज ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। आइए चलते हैं आउट क्रॉसिंग में। आउट क्रॉसिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि आउट क्रॉसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है मिल्क की प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ग्रोथ रेट बीफ कैटल्स में बढ़ जाएगा, ये आपको लर्न करना है। सेकेंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वो क्यों है, क्योंकि आपने इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है एक प्रॉब्लम की तरह आपने फेस किया। जब आपने इनब्रीडिंग पढ़ा तो इनब्रीडिंग में डिसएडवांटेजेस आपको बताया, तो मैंने बताया कि जब आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं, जब आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं तो प्रोजनीज में जो है वो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे, हम ओवरकम करेंगे अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स को लेकर और सेम ब्रीड के होंगे, ठीक है, और उस सेम ब्रीड अगर यूज हो रहा है दैट मींस कि यहाँ पे बात हो रही है आउट क्रॉसिंग की, ठीक है ना,
सेम ब्रीड में अगर हो रहा है तो दैट मीन्स कि बात क्या होगी आउटक्रॉसिंग, आउटक्रॉसिंग की दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि आउटक्रॉसिंग ही क्या है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का सोल्यूशन है, उसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये चीज आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और आउटक्रॉसिंग ये दोनों क्या है रिलेटेड है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है आउटक्रॉसिंग, क्योंकि आउटक्रॉसिंग में सेम ब्रीड है, ठीक है। बट जब आप पेरेंट्स को लेंगे तो पेरेंट्स का जो एंसेस्टर होगा वो अनकॉमन होगा, मैंने आपको पहले भी कई बार ये लाइन बताई है आज, ठीक है। अब आते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग में एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट ब्रीड्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे, दोनों सुपीरियर मेल और फीमेल होंगे, ये सारी बातें आपको बता दिया। हाँ, कि ये थोड़ा सा कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट है, इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में शीप का एक एग्जाम्पल है जो उसमें मेंशन किया है कि एक ब्रीड लिया आपने बीकानेरी एप्स का लिया और एक मैरिनो रैम्स का लिया और इसको क्रॉस कराया तो एक नया सीप का वैरायटी डेवलप हुआ, वो है हर्सिराडेल, ठीक है। तो ये लर्न करना है आपको एज इट इज एनसीईआरटी मिलेगा, ये एग्जाम्पल था क्रॉस ब्रीडिंग का। अब आते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि एक मेल डंकी लिया और फीमेल हॉर्स लिया और दोनों के बीच क्रॉस हुआ और क्रॉस होने के बाद क्या मिला, म्यूल, म्यूल के अंदर जो है कुछ स्पेशल वैरायटी थी, क्वालिटी थी, लाइक आप वो डंकी से ज्यादा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर था और वो जो है ज्यादा हैवी वर्क के लिए यूज कर सकते हैं म्यूल को, ठीक है। ये आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल्स होंगे, आपको एज इट इज लर्न करना है, जो भी पढ़ा वो नेचुरल मेथड्स पढ़ा आज आपने, आगे के लेक्चर्स में आपको मैं आर्टिफिशियल बताऊंगा। आगे का लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा आपका क्योंकि इसमें ओनली दो मेथड है आर्टिफिशियल में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।